कमाल आर खान उर्फ केआर के अक्सर ट्वीट्स के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा शायद ही कोई दिन होगा जब केआर के ने कोई कंट्रोवर्शियल ट्वीट ना किया हो, लेकिन अब इन्हीं कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स की वजह से वो लाइमलाइट में बने रहते हैं। ऐसे में एक बार पर केआर के ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसके बाद हर तरफ उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं। अब केआर के ने सलमान खान को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और उनका लेटेस्ट ट्वीट देखकर ऐसा लग रहा है कि हमेशा बेबाकी से अपनी बात कहने वाले केआर के सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं। केआर के ने शायद भाईजान के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। आपको याद दिला दें, अक्सर केआर के सलमान खान पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। वो खुलेआम सलमान की फिल्मों, उनकी एक्टिंग और उनकी उम्र का मजाक बनाते दिखाई देते हैं। दोनों के बीच का विवाद इतना गहरा है कि खुद भाईजान ने केआरके के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। लेकिन अब केआरके ने सोशल मीडिया पर सबके सामने सलमान खान से माफी मांगी है और अपनी गलती कबूल कर ली है। केआरके ने लिखा, सभी मीडिया के लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे सलमान खान का हाथ नहीं था, जैसा कि मैंने सोचा था। पीछे से कोई और खेल गया। भाईजान, आपको गलत समझने के लिए सॉरी कहता हूँ। साथ ही अगर आपको किसी भी तरह से दुख पहुंचाया हो तो मैं माफी मांगता हूं। मैं खुद से ये फैसला करता हूं कि आपकी फिल्मों का रिव्यू नहीं करूंगा। अब केआरके के इस ट्वीट ने फैंस को कंफ्यूज कर दिया है। हर कोई ये देखकर हैरान है कि केआरके अचानक इतने कैसे बदल गए। लेकिन अब लोग ये देखकर काफी खुश हैं कि इन दोनों की गलतफहमी दूर हो गई है, तो अब सोशल मीडिया पर शांति बने रहेगी।